कक्षा 4 विषय है हिंदी। तो उसमें अपने आगे का पाठ या आगे की काव्य देखेंगे। तो आगे की काव्य है 14 ये तारे, एक काव्य है। उसके लेखक है देवेदत्त तिवारी। तो काव्य का नाम है ये तारे, यानी इस काव्य में अपने को तारे की बातें बताई गई हैं। और एक तारे भी दिखाई दे रहे हैं और चंदा भी दिखाई दे रहा है और एक लड़का भी दिखाई दे रहा है। तो अपने ये काव्य की शुरुआत करेंगे। तो पहले एक बार एक काव्य सुन लेते हैं। काव्य ये तारे। नील गगन के ये तारे, जगमग जगमग ये तारे, झिलमिल झिलमिल ये तारे, कितने प्यारे ये तारे, कितने ऊंचे ये तारे, कांप रहे हैं वह बेचारे। यानी यहाँ पे भी अपने को तारे की बात बताई गई है। तारे कैसे हैं? तो नील गगन के ये तारे हैं और जगमग जगमग ये तारे हैं, झिलमिल झिलमिल ये तारे हैं, कितने प्यारे ये तारे और कितने ऊंचे ये तारे, कांप रहे हैं बेचारे। उसके आगे चम चम चमके ये तारे, छम छम नाचे ये तारे, किरण टूटकर बिखरी है, ज्योति फूटकर बिखरी है, हंसी गगन की बिखरी है, उसकी शोभा निखरी है। यहाँ पे भी तारे को कैसा कहा गया है कि जो तारे हैं उसकी शोभा बहुत ही निखरी है और उनकी हंसी भी कैसी है, गगन की बिखरी है। और छम छम नाचे ये तारे। उसके आगे जूही चमेली बेला है, फूलों का यह मेला है, गजरों का यह मेला है, चांद उदास अकेला है। यहाँ पे अपने को चांद की भी बात कही है और यह चित्र में अपने को चांद भी दिखाई दे रहा है और तारे भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे एक बार, जूही चमेली बेला है, फूलों का यह मेला है, गजरों का यह मेला है, चांद उदास अकेला है, उसको पास बुला लो माँ, मेरे साथ खिला लो ना, गुनगुन गुनगुन गा देना, उसकी यही सुला है, उसको यही सुला लेना। आगे नील गगन के ये तारे, जगमग जगमग ये तारे, झिलमिल झिलमिल ये तारे, कितने प्यारे ये तारे। तो एक काव्य आपने एक बार यहाँ पे पढ़ लिया है। इसके बाद उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शोभा यानी क्रांति और चमक, चांद यानी चंद्रमा, नील यानी नीला हरे रंग का, तारा यानी सितारा, उदास यानी दुखी, झिलमिल झिलमिल यानी रह रह कर चमकता हुआ तारा। तो अब काव्य का भावार्थ समझेंगे। फिर से एक बार काव्य समझ लेते हैं और काव्य शुरू करते हैं। नील गगन के ये तारे, जगमग जगमग ये तारे, झिलमिल झिलमिल ये तारे, कितने प्यारे ये तारे, कितने ऊंचाई ऊंचे ये तारे, कांप रहे हैं बेचारे। यानी जो नील गगन के तारे हैं, यानी जो आकाश में जो तारे हैं, वह कैसे हैं? तो बहुत ही जगमगा रहे हैं, यानी झिलमिल झिलमिल, यानी वहाँ रहकर भी बहुत जगमग रहे हैं। और कितने प्यारे दिख रहे हैं ये तारे, जब तारे आकाश में होते हैं तो बहुत ही जगमगाते हैं और बहुत ही प्यारे दिखते हैं अपने को। और कितने ऊंचे ये तारे, यानी जो तारे हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। जैसे अपने भी तारे को देखते हैं तो तारे बहुत ही ऊंचे होते हैं और कांप रहे हैं बेचारे। यानी जब तारे जगमग जगमग करते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि तारे बेचारे कांप रहे हैं। फिर से एक बार, नील गगन के ये तारे, यानी जो आकाश में जो तारे हैं वह क्या कर रहे हैं? तो जगमग जगमग कर रहे हैं। और झिलमिल झिलमिल ये तारे, यानी वह बहुत ही चमक रहे हैं, चमकता हुआ तारा जिसे झिलमिल झिलमिल कहते हैं। और
कितने ऊंचे ये तारे, यानी तारे कैसे हैं, तो बहुत ही ऊंचे हैं। और अपने को ऐसा लगता है जब तारे जगमगाते हैं तो ऐसा लगता है कि वह बेचारे कांप रहे हैं। तो उसी तरह अपने दूसरा काव्य का मुद्दा देखते हैं। जम चम चम चमके ये तारे, छम छम नाचे ये तारे, किरण टूटकर बिखरी हैं, ज्योति फुटकर बिखरी हैं, हंसी गगन की बिखरी है, उसकी शोभा निखरी है। यानी जो ये तारे हैं वह बहुत ही चमचम चमचम तारे हैं, और जैसे यानी जैसे वह चमक रहे हैं तो अपने को ऐसा लगता है वह चमचम नाच रहे हैं, यानी उनकी। और जब उसकी किरणें टूटकर बिखरी हैं, यानी जब तारे आकाश में होते हैं और उसकी किरणें जब बिखरती हैं और उनकी ज्योति यानी उनका उजाला फूटकर बिखरता है, तब ऐसा लगता है कि उनकी हंसी गगन की बिखरी है। यानी जब तारे हैं वह जगमगाते हैं, छमछम नाचते हैं, उसकी किरणें टूटकर बिखरती हैं और उनकी ज्योति भी टूटकर बिखरती है, और उनकी हंसी भी जब बिखरती है तब उसकी शोभा और भी बढ़ा देती है, यानी उसकी शोभा निखरी है, शोभा यानी उनकी चमकें और भी बढ़ा देती है तारों की। फिर उसके आगे अपने आगे देखेंगे, जूही चमेली बेला है, फूलों का यह मेला है, गजरों का यह मेला है, चांद उदास अकेला है। यानी जब तारे हैं वह कैसे हैं, यानी वो फूलों की तरह बेला है और फूलों की तरह भी यह मेला है, यानी सभी तारे ऐसे फूलों की तरह साथ में ही रहते हैं और साथ में ही जैसे मेला हो वैसे ही रहते हैं। और चमेली और जूहो चमेली बेला है, यानी फूलों की तरह वह चमकते हैं और फूलों की तरह वह साथ में रहते हैं, और गजरों का यह मेला है ऐसा बताया गया है, और चांद उदास अकेला है, यानी सभी तारे एक साथ रहते हैं तब चांद क्या है, अकेला रहता है और अकेला पड़ जाता है। इसीलिए ऐसी बात कही है कि जूही चमेली बेला है, फूलों का यह मेला है, यानी तारों की बात कही है। ये तारे हैं वह फूलों की तरह साथ में रहते हैं, यानी फूलों की तरह वह मेला है, और जूही चमेली बेला है, यानी जूही चमेली जैसे फूल की तरह रहते हैं, और चांद उदास अकेला है, और चांद वह अकेला पड़ जाता है। उसको पास बुला लो माँ, मेरे साथ खिला लो ना, गुनगुन गुनगुन गा देना, उसको यही सुला लेना। यानी उसके बाद जह चांद है उसके साथ हम खेलते हैं, उसको गुनगुन गाना देना और उसको यही सुला लेना, ऐसी बात बताई गई है। उसके बाद आगे हैं, नील गगन के ये तारे, जगमग जगमग ये तारे, झिलमिल झिलमिल ये तारे, कितने प्यारे ये तारे। नील गगन के यानी आकाश में जो तारे हैं वह कैसे हैं, जगमग जगमग यानी बहुत ही जगमग जगमग कर रहे, यानी बहुत ही चमक रहे हैं। और झिलझिल में ये तारे यानी आकाश में जो तारे हैं वह जगमग जगमग कर रहे हैं और बहुत ही चमक रहे हैं, और तारे जो हैं आकाश में वह कितने प्यारे दिख रहे हैं, इसकी बात बताई गई है। तो फिर से अपने एक बार एक काव्य देख लेते हैं। पैराग्राफ में बताया है कि आकाश में तारों की बात बताई गई है। दूसरे पैराग्राफ में जब तारे चमकते हैं तो क्या कर रहे हैं, तो छमछम नाच रहे हैं, और उसकी किरणें जब बिखरती हैं, टूटकर बिखरती हैं, ज्योति भी उनकी यानी उनका तेज है वह बिखर रहा है, तो कैसे तो और उसकी और हंसी गगन भी बिखरी है, यानी जब तारे नाचते हैं हंसते हैं उनकी किरणें भी बिखरती हैं तब उसकी शोभा और भी बढ़ा देती हैं। और उसी तरह तीसरा पैराग्राफ है कि यह तारे हैं वह फूलों की तरह हैं, फूलों की तरह महक रहे हैं, फूलों की तरह हैं। तो इसी तरह अपना ये काव्य यहाँ पे पूरा होता है। आगे का अपने आगे के वीडियो में देखेंगे। और तारों का ये काव्य यहाँ पे पूरा होता है।